अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी फैक्ट्स। आईटी फैक्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे एमएस आउटलुक की नेक्स्ट शॉर्टकट कीज को। फ्रेंड, लास्ट वीडियोस में हम आउटलुक की शॉर्टकट कीज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गोइंग टू आउटलुक कैटेगरीज। आउटलुक कैटेगरीज में जाने के लिए जो शॉर्टकट कीज हम यूज़ करते हैं, आज हम उन शॉर्टकट कीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट कीज मौजूद हैं, देन इनकी ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। फर्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंड कोमा। ये किस लिए यूज होती है? नेक्स्ट आइटम में डिस्प्ले द नेक्स्ट आइटम के लिए, यानी नेक्स्ट आइटम में जाने के लिए कंट्रोल प्लस कोमा जो है इसका यूज किया जाता है, और प्रीवियस आइटम में जाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस इस फुल स्टॉप का यूज करना होता है। अगर हमने मेल में जाना है तो हमें कंट्रोल प्लस वन का यूज करना है। अगर हमने कैलेंडर में जाना है तो हमने कंट्रोल प्लस टू को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। उसके बाद है गो टू कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट के लिए जाने के लिए कंट्रोल प्लस थ्री है। गो टू टास्क के लिए कंट्रोल प्लस फोर का इस्तेमाल किया जाता है। गो टू नोट्स, अगर हम नोट्स में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस फाइव का यूज़ किया जाता है। गो टू फोल्डर लिस्ट के लिए कंट्रोल प्लस सिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। गो टू शॉर्टकट्स के लिए कंट्रोल प्लस सेवन का इस्तेमाल किया जाएगा। गो टू जर्नल, जर्नल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एट का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्ले द गो टू डेट डायलॉग बॉक्स, गो टू डेट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल किया जाता है। गो टू आउटबुक्स, आउटबुक्स में जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है गो टू द इनबॉक्स, अगर हम इनबॉक्स में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम चाहते हैं गो टू द फोल्डर डायलॉग बॉक्स में नहीं, तो कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन शॉर्टकट कीजिए नेविगेशन इन डेट नेविगेटर। नेविगेशन इन डेट नेविगेटर के लिए कौन कौन से शॉर्टकट कीज यूज़ की जाती हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे गो टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में सेम डे में जो है हमारे पास नेक्स्ट वीक में उसी डे में जाने के लिए आल्ट प्लस डाउन एरो का इस्तेमाल किया जाता है। गो टू द लास्ट डे ऑफ द करंट वीक, करंट वीक में लास्ट डेट ऑफ द करंट वीक की लास्ट डेट में जाना है तो आल्ट प्लस एंड का इस्तेमाल करना है। विंडो को क्लोज करना है तो आल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ESC का इस्तेमाल भी किया जाता है। उसके बाद है गो टू द फर्स्ट डे ऑफ द करंट वीक के फर्स्ट डे में जाने के लिए आल्ट प्लस होम का इस्तेमाल किया जाता है। ओपन लुक इन, ओपन लुक इन के लिए आल्ट प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है। रिमूव द सेमी कॉलन फ्रॉम मेल एड्रेस, मेल एड्रेस में से सेमी कॉलन को अगर रिमूव करना है तो आल्ट प्लस के का इस्तेमाल करना है। गो टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर हम लास्ट डे ऑफ द मंथ में जाना चाहते हैं तो आल्ट प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। गो टू द फर्स्ट पेज ऑफ द मंथ, मंथ के फर्स्ट पेज पे जाना है तो आल्ट प्लस पेज अप का यूज़ करना है। ईमेल को अगर सेंड करना है आल्ट प्लस एस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद गो टू द सेम डे इन द प्रीवियस वीक, प्रीवियस वीक के सेम डे में जाने के लिए आल्ट प्लस अप एरो और रीड प्रीवियस ईमेल, प्रीवियस ईमेल को रीड करना है तो आल्ट प्लस एंड देन इस साइन को इस्तेमाल करना है। रीड नेक्स्ट ईमेल को रीड करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड देन इस साइन को यूज़ करना है। आइटम को सेलेक्ट करना है तो तमाम आइटम्स को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस आल प्रेस करना है। अगर बोल्ड करना है जो सेलेक्ट हमने किए हुए हैं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इसको मैं बोल्ड करना चाहती हूँ, कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल किया जाएगा। डिलीट द सेलेक्टेड आइटम, जिन आइटम को मैंने जिससे आइटम को सेलेक्ट कर लिया उनको डिलीट करना चाहती हूँ, कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल करेंगे। सेंड ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज को सेंड करना है कंट्रोल प्लस इंटर। उसके बाद फॉरवर्ड एंड ईमेल, अगर ईमेल को मैंने फॉरवर्ड करना है, कोई ईमेल आई मुझे उसे फॉरवर्ड करने आ गया तो मैं कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद है अगर मैं जिसने मैंने इसको सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया है और उसको मैं इटैलिक करना चाहती हूँ तो कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करूँगी। कंप्लीट द नेम एंड और आ
ईमेल बीइंग टाइप्ड इन द ईमेल एड्रेस बार के लिए कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करना है। सेंड एंड रिसीव ऑल के लिए हमने कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करना है। क्रिएट ईमेल के लिए, ईमेल को अगर एक न्यू क्रिएट करनी है कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करते हैं। सिलेक्टेड आइटम को अगर ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ या फिर इंटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हमने प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करेंगे। मार्क आइटम एज रीड करना है कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करेंगे। रिप्लाई टू एन ईमेल, हर ईमेल का रिप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस आर करें। रिप्लाई टू एन ईमेल, किसी एक ईमेल का अगर रिप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस आर करेंगे। सेव करना है कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करेंगे। एक न्यू अपॉइंटमेंट टू योर कैलेंडर में क्रिएट करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड है क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट, अगर न्यू कॉन्टैक्ट को क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है। देन सेलेक्ट टू लास्ट आइटम, अगर लास्ट आइटम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट टू द फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम का इस्तेमाल करेंगे। ओपन इन बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएट न्यू जनरल एंट्री के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ऐड अ न्यू टास्क के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएट मैसेजिंग के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएट नोट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है। ओपन आउटबुक्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएट मीटिंग रिक्वेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू का यूज़ किया जाएगा। क्रिएट टास्क रिक्वेस्ट, अगर टास्क क्रिएट करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का इस्तेमाल किया जाएगा। फोल्डर को मूव कराना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करें। फोल्डर को क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का इस्तेमाल करें। क्रिएट फ्लैग फॉर फॉलोअप, फॉलोअप के लिए फ्लैग क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का इस्तेमाल करें। अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करें। कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करें एंड देन कंट्रोल प्लस पी के जरिए वी के जरिए से इसको पेस्ट कर देना है। फोल्डर में जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल करें। लास्ट आइटम में मूव करने के लिए एंड का इस्तेमाल करें। फाइंड, ओपन फाइंड आ कॉन्टैक्ट के लिए F11 का इस्तेमाल करें। चेक फॉर ईमेल, न्यू ईमेल को चेक करने के लिए F9 फाइल करें आउटलुक 2003 में। मूव टू फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम में मूव करने के लिए होम का इस्तेमाल करें। मूव डाउन वन स्क्रीन, वन स्क्रीन डाउन में मूव करने के लिए पेज डाउन एंड मूव अप वन स्क्रीन के लिए पेज अप का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें।